वेलकम बैक अभी यहाँ पर मुझे कुछ कोई भी मोटिव ढूंढने हैं लाइक like, uh, कोई भी मोटिव हम ले सकते हैं लेट्स गो टू द प्रिटरेस्ट और गूगल एनी वेयर वेर यू कैन फाइंड द राइट मोटिव यू कैन डू इट लेट्स गो गूगल एंड लेट्स टाइप डिट सी और फ्लोरल मोटिव सिंपल फ्लोरल फ्लोरल राइट कोई भी आर फ्लोर मतलब जिसमें आपको रिपीट बनाना है यहाँ पे बहुत सारे हैं अच्छा मैं आपको एक और चीज़ ईजिली बता दूँ जिस तरीके का ये एक इमेज है आ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पहले क्लियर कर चुके हैं तो आ, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी ये एक मोटिव मैंने लिया राइट इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत इजी से वे हैं आ, ये इमेज कहाँ सेव की ये रही ये एक इमेज है जो तो मैंने सेव इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए राइट तो सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं लेट्स क्रॉप दिस बहुत इजी तरीके से है इमेज साइज अच्छा इमेज साइज के अंदर आई जस्ट वांट टू सजेस्ट समथिंग ये कुछ डिटेल्स हैं लाइक अभी इमेज ये सिक्स इंचेस है क्योंकि मुझे सिक्स इंचेस बहुत बड़ा है मुझे आई जस्ट नीड इट थ्री इंचज तो मैं यहाँ पे री सैम्पल ऑफ करता हूँ थ्री इंचेस करता हूँ थ्री इंचज के अकॉर्डिंग जो भी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है विदाउट लूजिंग द डिटेल इट विल टेक ऑटोमेटिकली जैसे मैंने रिजैंपल ऑन किया है सपोज मैं अगर 2 इंचज करता हूँ इसको 2 इंचज रखने में ये 500 हंड्रेड रेजोल्यूशन ले रहा है बिकॉज रेजोल्यूशन मीन्स उसके जो पिक्सल्स हैं क्लोज पिक्सल्स हैं वो वैसे के वैसे ही है और वो ऑटोमेटिकली अपना रजिस्टर हो तो लेट्स मेक इट थ्री इंचज मैं थ्री इंच कर लेता हूँ एट रेजोल्यूशन थ्री हंड्रेड है अच्छा प्रिजर्व डिटेल का क्या मैं आपको बता रहा था यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं राइट प्रिजर्व डिटेल एक ऐसा सेटिंग है जिसमें कि अगर मैं इसको फिफ्टी इंच भी करता हूँ इस मोटिव आप इसकी डिटेल देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है फिफ्टी इंचज मतलब कीबोर्ड्स में फिफ्टी तो, इंचज रखने के बाद ये डिटेल है प्रिजर्व डिटेल एनलार्जमेंट रखने पे ये क्वालिटी है रिजर्व डिटेल टू पॉइंट ओ रखने पे ये क्वालिटी है राइट आईक्यूबिक स्मूदर रखने पे ये क्वालिटी है नियरेस्ट रखने पे ये क्वालिटी है अब देखेंगे इसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है मतलब साइज बढ़ाने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये उस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको खुद कुत्ते कॉल लेना है आपको कहाँ रखना है मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है अब अभी मुझे फाइव चाहिए नहीं तो मैं इसको सिर्फ रेंचेस पे करूँगा अच्छा हो सकता है आपके सिस्टम में ये क्वालिटीज ना दिखे ये जो ऑप्शन है ना दिखे उसके लिए आप प्रेफरेंस में जाएंगे टेक्नोलॉजी प्रीव्यू राइट यहाँ पर आपको इनेबल प्रिजर्व डिटेल 2.0 पॉइंट जीरो अप स्केल करना है तो यू विल गेट बोथ ऑफ द ऑप्शन टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ इमेज तो लेट्स डू इट तो अभी ये हुआ है सेवन अब मैं इसको सिंपल एक फैक्टर uh, में कन्वर्ट कर लूंगा यहाँ से कब से मैंने इसके बैलेंस कर लिया राइट right? तरीके से इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है और यहाँ इन दोनों लेयर्स को कलेक्ट करके फ्लैट कर दीजिए इजी है और इमेज एंड थ्रश ये हो गया यहाँ तक का तरीका इसके इमेज को शेप में डिफाइन करने का तो आपको अगर इनके कोई चेंजेस करने तो आप पहले कर सकते हैं अभी मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ विदाउट कंटीजियस पूरा सेलेक्ट हो गया एडिट में जाके

अब मुझे व्यूज में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है पैटर्न व्यू मुझे जस्ट यू जस्ट नीड टू गो इन अ व्यू एंड ओपन दिस जस्ट क्लिक ऑन डू नॉट शो अगेन सो अब ये इस तरीके से दिख रहा है राइट मैं कलर ये वाला ले लेता हूँ अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आपका रिपीट बन रहा है अब देखिए जो भी पार्ट्स है उसके पार्ट्स यहाँ ज्वाइन करें बट दिस इज वेरी बेसिक वे सो लेट्स मेक इट स्लाइटली क्रिएटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आपको स्पेसिंग थोड़े से एडजस्ट करने Facing आप इन ब्रशेस के बीच में कितना गैप चाहते हैं अब डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो जरूर देखिए टू मेक द ब्रश मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया एंड आई एम गोइंग टू कंट्रोल इन सॉरी आई एम गोइंग टू कवर इन अ कमिंग वीडियो अबाउट द ब्रश यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन uh, डायरेक्शन के अंदर एंगल जिटर में आप इसके डिफरेंट एंगल सेट कर सकते हैं राइट अब अब जब

और कोई भी एक बड़े साइज का कैनवास ले लीजिए कोई भी कैनवास थर्टी फाइव फोर्टी टू का मैंने लिया है लेट्स मेक अटरन और स्टॉल uh, है और ये आप चला के देख लीजिए तो इस तरीके से आपका रेडी हो गया होप दिस वीडियो इज गिविंग द वैल्यू ऑफ योर टाइम तो एक छोटा सा एलिमेंट और कर सकते हैं लाइक like यहाँ पे हम फिर से चलेंगे इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज है विच आई फॉरगॉट टू टेल यू मैं कि यहाँ पर नई लेयर पे आ, मैं एक्चुअली एक लेयर की ब्लेंडिंग आपको बताना चाह रहा था मैंने लाइट कलर लिया लाइट right. एंड इसको मैं यहाँ से एक मोड uh, है डिवाइड ब्रश ये ना लेके मैं कोई दूसरा ब्रश ले लेता हूँ देर आर सो मेनी ब्रश ये ब्रश लिया राइट जस्ट सिंपली ये रिपीट में अपने आप ले रहा है आपको बैकग्राउंड इट जस्ट वॉन्ट टू शो यू के अगर आपको इनके बैकग्राउंड में कुछ कहना है तो ये बैकग्राउंड के लिए आपके इस तरीके अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ देना है ये है एग्जाम्पल राइट वट वी एक्चुअली वॉन्ट टू डू अब यहाँ पे मैंने कुछ ब्रशेज लिए हैं मुझे बैकग्राउंड में इस, इस तरीके की चीज़ें देनी लाइटर ओपेसिटी लाइटर इस तरीके ये भी रिपीट में आ रहा है अब यहाँ से फिर मुझे छूए चेंजेस का मैंने डिवाइड में रखा है कस्टमी ने मैं इसकी डायरेक्शन की सेटिंग फिर से वही कर लेता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा डेलीबरेटली कर रहा हूँ जिससे कि मुझे सेटिंग दोबारा करना पड़े और आपके लिए एक सेटिंग का रिवाइज हो ये इस तरीके से शेप डायनेमिक में जाना है एंगल जिटर पे आपको ये वो एट करना है राइट इसके बाद आप अब देखेंगे ये लेयर फ्लैट है मैं इसको इस लेर पर मैं अंडू करके वापस भी जा सकता हूँ जहाँ मैंने इस लेयर को मर्ज किया था उस लेयर पे आने के बाद इसको फ्लैट पे ही किया है तो एक बार सेटिंग देख एफ नाइन एफ नाइन इज द की टू सी योर हिस्ट्री आपने जो भी अभी तक किया और आप वहाँ से जाके अब मैं इसके न्यू लेयर लेके ये मैंने आपका डिवाइड पे रखा है जिससे कि जहाँ भी ये ब्रश ओवरलैप हो रहा है मैं एक वाइट कलर का टेक्सचर आ रहा है अभी वो मैंने फ्लोरल को नीचे दबाया है जिसको अभी इजी तरीके से आपको मराकी टूल लिया कलेक्शन किया या एक मिनट के लिए हम जो हटा लेते चल राइट मैजिक बॉन्ड नो कॉन्टीजियस नो एंटीलास आपको सिर्फ यहाँ पे ऑल्ट दबा के क्लिक करना है राइट एंड शिफ्ट कंट्रोल आई लिप मास्क इस तरीके से ये आपके बैकग्राउंड में बन गया तो आप इसके कोई भी कलर चेंज करने आप कर सकते हैं तो शोल्ड करने के बाद या इंडेक्स करने के बाद लेट्स हैव अ लुक हाउ इट इज लुकिंग

who make any repeats so thanks for watching thank you